विक्रोली इलाके में सोमवार को मुफ्त में जमीन मिलने की अफवाह फैली। सैकड़ों लोग विक्रोली के बाहरी क्षेत्र में मौजूद खाली जमीन पर पहुंच गए और वहां टेंट लगा लिए। जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों को कई बार समझाया कि किसी को जमीन आवंटित नहीं की जा रही है। इसके बावजूद मंगलवार सुबह तक लोग यहां से हटने को तैयार नहीं है। विक्रोली पुलिस के मुताबिक सोमवार को अफवाह उड़ी कि 100 एकड़ की जमीन के मालिक की मौत हो गई है और उसकी बेटी गरीबों को जमीन बांट रही है। ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण किया है उन्हें जमीन मुफ्त दी जा रही है। जांच में सामने आया कि ये सरकारी जमीन है और किसी ने शरारत के इरादे से अफवाह उड़ाई है। घटना का वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नज़र में आंदोलनकारी किसान, खालिस्तानी और पूंजीपति उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है, पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। श्रीगंगानगर में घर में आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच घर में रखी रद्दी में आग लगने के कारण हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तोड़कर कमरे तक पहुंची। दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल गए थे। दमकल कर्मियों ने पॉलिथीन में भरकर शवों के अवशेष को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पति पत्नी मानसिक तौर पर कमजोर थे। शहर के एफ ब्लॉक स्थित एक घर के फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई। यहां अनिल कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। दोनों की आग से झुलसकर मौत हो गई। जब तक दमकल की टीमें मौके पर पहुंची, आग काफी फैल चुकी थी। इसके आग को बुझाकर दोनों के शवों को खिड़की से बाहर निकाला। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात 12 बजे से वाहनों की रफ्तार कम करने का आदेश लागू हो गया है। अब 15 फरवरी तक इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पहले ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी वाहन भी 80 की बजाय अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकेंगे। यमुना अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे का संचालन देख रही जेबी इंफ्राटेक और पुलिस को फील्ड से जुड़े नए नियम का पालन कराने को कहा है। एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर फॉग लाइट भी लगेंगी। अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर हादसों की आशंका रहती है। इसे देखते हुए वाहनों की अधिकतम गति सीमा को कम किया गया है। वीकेंड पर ज्यादा वाहनों को देखते हुए टोल बूथ बढ़ाए जाएंगे। पूरे देश समेत महाराष्ट्र में बीते 3-4 दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बारिश कई इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। दिसंबर के महीने में हो रही बारिश की वजह से राज्य में ठंडी भी बढ़ गई है। कई जगहों पर कोहरे की चादर फैली हुई है। आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। अरब सागर में अभी भी कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से आज भी बारिश हो सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। मध्य रेलवे के मुंब्रा स्टेशन पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते टल गया। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी और एनएसएफ के जवानों को तत्परता से एक माँ और एक बेटी ट्रेन के नीचे आने से बच गए। घटना सुबह करीब 10:35 की है, जब 29 साल की महिला रिजवान सफत खान अपनी 6 साल की बेटी को लेकर लोकल की महिला कोच में सवार होने वाली थी। मुंब्रा के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से ये माँ बेटी मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के बाद महिला कोच के गेट पर भीड़ हो गई। इसी बीच महिला ने अपनी बच्ची को ट्रेन में चढ़ा दिया, लेकिन खुद जब चढ़ने लगी तो ट्रेन चल पड़ी। महिला संतुलन खोने वाली थी, तब गेट के सामने मौजूद एमएसएफ के जवानों ने महिला को ट्रेन से प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और बच्ची ट्रेन में छूट गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम लद्दाख में गतिरोध की स्थिति में हैं और चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। देश में भी वैसे ही तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत भी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जनरल रावत ने कोलकाता में कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे सिस्टम में युद्ध लड़ने की तकनीक का भविष्य देखा जाए। हमें उत्तरी सीमाओं पर किसी भी खतरे या चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त बल मिला है। CDS जनरल रावत ने कहा कि हमने चीनी पक्ष के तिब्बत
स्वायत्त क्षेत्र में कुछ गतिविधियों पर ध्यान दिया है। हम इन सभी डेवलपमेंट पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हमने अपने पक्ष में कुछ कदम भी उठाए हैं और विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी चुनौती से पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ता यानी ADS ने भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 के पास से विधायकों को लेटर हेड भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि इन्होंने फर्जी ढंग से इसे तैयार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद इसराइल हुसैन, 23 साल के फौज अहमद मुजराल और 28 साल के अकरम खान के रूप में हुई है। ये तीनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, जबकि साजिद हैदर मुंसी और अब्दुल रहीम शेख एजेंट हैं। इनके अलावा 3 अन्य लोगों को इनकी मदद करने के आरोप में पकड़ा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल लेकर आई है। इस बिल पर सदन में चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि इस बिल को सरकार इसी सत्र में पास करा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और विधान परिषद में इस बिल को पेश किया है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने इस बिल को लाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई थी। इसे तेलंगाना की दिशा एक्ट के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस बिल में दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और मुकदमे की जल्द सुनवाई के प्रावधान है। फिर अनशन पर बैठेंगे अन्ना हजारे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। हजारे की अन्य मांगों में कृषि लागत एवं दाम आयोग को स्वायत्तता प्रदान करना शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हजारे फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में अपने गांव रालेगंज सिद्धि में उपवास पर बैठ गए थे।